चलिए समझते हैं जो बेस ईयर और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मेथड में जो रिवीजन किया गया, रिवाइज किया गया उसके बारे में। सो सन 2015 में सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा एक नया डाटा रिलीज किया गया, जिसमें दो तरह के चेंजेस किए गए। सबसे पहले तो जो बेस ईयर था उसको शिफ्ट कर दिया 2004-5 से 2011-12 तक। मतलब कि पहले जो बेस ईयर माना जाता था वो 2004-5 मानकर चलते थे, और अभी जो नया रिवाइज डाटा आया उसमें उसको 2011-12 कर दिया है। सो ये किया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर, जो कि हर 5 साल बाद जो है डाटा को या बेस ईयर को रिवाइज करने की जो है रिकमेंडेशन या एडवाइस करता है। सो दूसरा है जो मेथडोलॉजी हम यूज़ करते हैं नेशनल अकाउंट को, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। उसमें जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, जो कि एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से जो है एक्सेप्ट किया गया कि आगे से एसएनए के हिसाब से जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। सो आगे है जो और मेजर चेंजेस किए गए, जो रिवीजन की गई, उसमें से पहले तो है कि जो हेडलाइन ग्रोथ रेट है जीडीपी का, उसको अब हम मेयर करेंगे कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस के ऊपर। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम जीडीपी को हेडलाइन ग्रोथ रेट जब मेयर करते थे तो उसको हम फैक्टर कॉस्ट के ऊपर करते थे और कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर करते थे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसमें जो एस्टीमेशन है सेक्टर वाइज ग्रोस वैल्यू एडेड की, उसको अब बेसिक प्राइसेस के ऊपर किया जाएगा। पहले इसको फैक्टर कॉस्ट के ऊपर किया जाता था। सो सेक्टर वाइज एस्टीमेशन, सेक्टर्स हमें पता है, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम। सो इस तरह से 8 सेक्टर हैं, 8 कोर सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी के। उसके बाद एक रिलेशनशिप जो है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, इसकी एक रिलेशनशिप बताई गई है, जिसमें जीवीए एट बेसिक प्राइसेस उसका जो फॉर्मूला है वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज। सो आगे जो जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें जीवीए एट बेसिक प्राइसेस में से हम प्रोडक्शन टैक्सेस लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस कर देंगे। फिर जो जीडीपी है, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस प्लस प्रोडक्शन प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। सो आगे हम सीखते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या होती हैं। प्रोडक्शन सब्सिडीज जो होती हैं वो मोस्टली जो सब्सिडीज दी जाती हैं रेलवेज में, जहाँ फार्मर्स को या फिर किसी गांव को या स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरपोरेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए जो सरकार सब्सिडी देती है उसको हम प्रोडक्शन सब्सिडीज कहते हैं। प्रोडक्शन टैक्सेस जो है वो हम इकट्ठा करते हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू है, जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, जो इस तरीके से टैक्सेस लगते हैं उनको हम प्रोडक्शन टैक्सेस कहते हैं। सो आगे जो है प्रोडक्ट सब्सिडीज, प्रोडक्ट सब्सिडीज में हम फूड, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर जो है इन सबको ऐड करके चलते हैं। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट जो है उसमें बोला गया है कि जो कवरेज है कॉरपोरेट सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में, उसमें जो है कंपनीज जो अपना अकाउंट्स फाइल करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साथ, उसमें गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसको नाम दिया गया है MCA 21। उसमें क्या होगा, इस डाटाबेस में आसानी होगी, जिस तरह का भी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो एक्टिविटीज करती हैं उसका पूरी निगरानी रखी जाएगी और कंपनीज के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करके चला जा सकता है, और हर कंपनी जो है इस डाटाबेस को जो है वो असेस कर सकती है। उसके बाद जो
पॉइंट नंबर फोर्थ है, उसमें जो है फाइनेंशियल सेक्टर को जो है और बड़ा कर दिया गया है, जिसमें क्या किया गया है, जो इंक्लूजन है कर दी गई है अलग अलग जो संस्थाएं हैं भारत सरकार की, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स के अकाउंट हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड हैं, इसके अलावा जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं भारत सरकार की, जैसे सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सो इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है इनको भी जो है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो है इंक्लूड कर लिया गया है। उसके बाद जो है इम्प्रूव्ड कवरेज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ लोकल बॉडीज एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस कवरिंग अराउंड 60% ऑफ ग्रांट्स ट्रांसफर्स प्रोवाइडेड टू दीज इंस्टीट्यूशंस। सो ये लास्ट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5। सो ये था जो रिवाइज किया गया है, जो चेंज किया गया है, उसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ आया होगा। आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।